घटना घटी है मेरे साथ, जो भी आज हादसा हुआ है, मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मुझ पर अटैक किया गया है। आप सुशांत गोप को तो आप जानते ही होंगे, महान निकम्मे, महान निहायती बदतमीज और निहायती बेहुदे इंसान, उन्होंने आज फिर से मेरे ऊपर अटैक किया। पहले तो मैं ये जानकारी दे दूं कि मैं आज वहां पर गई थी क्योंकि मुझे बुलाया गया था, मैं बिना बुलाए नहीं गई थी। मैं एज वहां पर महिला विकास मंच की जिला अध्यक्ष के रूप से गई थी और आप लोगों ने मेरी बात सुनने से पहले ही बोलना शुरू कर दिया और मुझ पर अटैक शुरू कर दिया। तो ये जो बीजेपी के जो गुंडा राज जो चल रहा है, जो ये सियासती जो गुंडा राज जो आप लोग मुझे दिखा रहे हैं, ये सोच के आप समझ रहे हैं कि मैं आपसे डर जाऊंगी, तो मैं नहीं डरूंगी। और सुशांत गोप, आपको तो डूबने चुल्लू पर डूबने की मरने की जरूरत ही नहीं है। जो भी आपको लोग देखेंगे, जो भी मर्द देखेंगे, वो आप पे थूथू करेंगे कि 40 लोग मिलके चार औरतों के साथ ऐसा व्यवहार करे कि आप कुर्सियां तोड़ रहे हैं हमारे ऊपर। अरे आप हमारे ऊपर क्या बल प्रदर्शन कर रहे हैं? इतनी हिम्मत है तो रोड पे निकल के आओ ना, लड़की दिखाओ, फिर मैं दिखाती हूँ कि मैं कौन हूँ। और दूसरी बात, डॉक्टर सचिन से तो मैंने ये उम्मीद ही नहीं की थी कि वो भी निहायत बदतमीज इंसान है। मैं बात करने की तमीज, अरे भाई तुम तो पढ़े लिखे एजुकेटेड हो, तुमको भी बात करनी नहीं आती है? और पहले सुन तो लेते कि मैं वहां किस हैसियत से गई थी, मुझे वहां पर बुलाया गया था, मुझे कैसे पता चलेगा कि वहां पे मीटिंग चल रही है? मुझे बताया गया, मुझे बकायदा बुलाया गया। आप पहले जानने की कोशिश तो करते। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग सब मिलकर के जितने भी वहां पर हैं, मुझे इल्जाम दे देंगे कि आप जो है यहाँ पर क्यों आई और आपका हमें ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। भाई आप सुन लीजिए, मैं वहां पर बुलाई गई थी, मैं अपने मन से नहीं गई थी, पर आप लोग सुनेंगे तब तो। औरतों के ऊपर हाथ उठाना सबसे आसान काम है, उठा लिया क्योंकि हम अकेले थे। बाकी कोई और अभी 100 लड़के हमारे साथ होते तो आप उठा लेते हम पर हाथ। ये तो आप अपनी नाममर्द होने की दिखा रहे हैं सुशांत गोप, कि आप नाममर्द हैं, इसलिए आप लोगों ने ये कुर्सियां तोड़ी। और ये सब करके कोई फायदा नहीं है, ना मैं पहले डरी थी ना मैं अब डरूंगी, और आप सबका नकाब मैं नीचे निकाल दूंगी। आप मुझे बता रहे हो कि मेरे ससुराल वाले मेरे साथ क्या बिहेव करते हैं? अरे कौन सी बेटी सीख के आती है बाप के घर से कि ससुराल वाले के यहाँ जाके ऐसे करना? वो जब तुमको प्यार नहीं देंगे तो तुम क्या करोगे, कितना बर्दाश्त करोगे, कितना बर्दाश्त करोगे? तुम में है औरत के जैसे बर्दाश्त करने की शक्ति? मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, क्या बर्दाश्त कर रही हूँ? आप लोगों को पता है क्या, कभी पूछा है मेरी तरफ से कि मुझे क्या दिक्कतें हैं? सारी दिक्कतें से ससुराल वालों को, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बड़े आराम से हूँ। और मेरे ससुराल वालों ने अगर ये सब बातें आपसे कही हैं तो मैं बिल्कुल जानना चाहूंगी उनसे। और अगर ऐसा उनको लगता है तो वो उनकी सोच है। एक औरत पे इल्जाम लगाना सबसे आसान और सबसे सही काम है, क्योंकि औरतें जो होती हैं वो मजबूर और बिल्कुल कमजोर है, जिसको कि कोई भी आराम से टारगेट कर ले, और वही आप लोगों ने किया। बट मैं फिर भी डरने वालों में से नहीं हूँ, यही तुम याद रखना। निहायती घटिया सुशांत गोप, निहायती नीच आदमी हो तुम, और उसके साथ डॉक्टर सचिन, तुम तो उससे भी ज्यादा घटिया निकले। तुम तो डॉक्टर कराने लायक ही नहीं हो, ना एजुकेशन के नाम पे तुम, मतलब बेकार तुमने पढ़ाई लिखाई की, अपने नाम से डॉक्टर तुम हटा दो। और मेरी सारी जनता और समाज से यही निवेदन है कि मुझे इस तरीके से मुझ पर अटैक किया गया, 40 लोगों ने मिलकर मुझ पर अटैक किया, मुझ पर कुर्सियां तोड़ी गई और मुझ पर क्या जो भी बोला गया, ये अब मैं फैसला समाज पे छोड़ती हूँ कि आप लोग देखें कि आप लोगों को क्या करना है। मुझे जिस तरीके से, क्योंकि मैं एक मुस्लिम पार्टी में हूँ, तो आप लोग मुझे इस तरीके से कुछ भी बोलेंगे, भाई मैं वहां उस तरह से गई ही नहीं थी। मैं वहां पे महिला विकास मंच की तरफ से गई थी, और मैं बता दूं कि मैं पहले महिला विकास मंच की जिला अध्यक्ष हूँ, मैं बाद में कुछ और हूँ। और अगर मैं एक डॉक्टर हूँ, साथ में ये भी आप याद रखें कि मैं एक डॉक्टर भी हूँ, और मैं और भी सोशल कॉजेस करती हूँ। तो आप मुझे इस चीज के लिए आप अपना आक्रोश आप मुझ पर निकालें, ये तो मैं मुझे लगता है कि ये नामर्द की, बिल्कुल नामर्द होने की ये साइंस है, जो कि मुझे लगता है कि ये निहायती नीच और घटिया है। आप लोग शायद अपने घर की औरतों के साथ भी ऐसे ही बिहेव करते होंगे जो आपने आज मेरे साथ, हम लोगों के साथ किया। कम से कम थोड़ी तो शर्म अब आप में तो बाकी ही नहीं होगी। लेकिन जो जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, एक बार ध्यान से वो इंसान जहां भी जाए, आप जरूर ध्यान से उसको देखें और उसके मुंह पर एक बार थूक जरूर दें कि तुम इतने घटिया हो। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट करके